कार्यालय है, जैसा कि आप सबको इस बात की ऑलरेडी जो है वो सूचना दे दी गई होगी। तो आप सबका जो है मीडिया का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जनसेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। जो हमारे साथ आशीष भाई आकर जुड़े हैं, ये भी कोई यहाँ पर जो हैं कोई मॉनेटरी गेन के लिए नहीं जुड़े हैं, ये समाज सेवा के लक्ष्य से जो हैं यहाँ आकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं तो सरकाघाट में जो है मम्मी पापा के घर पे अक्सर होती हूँ, फिर वहाँ पर भी एक कार्यालय है। मनाली जो है मैं यहीं से होकर निकलती हूँ, वहाँ पर भी घर में आपका सबका स्वागत है। लेकिन जब भी मैं यहाँ से होकर निकलती हूँ तो मैं आशीष भाई को फ़ोन करती थी कि हमें कब कार्यालय जो है वो मिलेगा डीसी से, तो ये कहते थे कि आपकी ओथ के बाद ही ये हो पाएगा। तो जैसे ही ओथ हुई तो सबसे पहले हमने यही काम किया। अब तो आते जाते अक्सर यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मिलूँगी, और जिस भी तरह की आपको चर्चा करनी हो, मिलना हो, तो आप बेझिझक यहाँ पे आएँ और मेरे साथ जो है आकर जुड़ें। एक प्रिंट आउट, ये जो है हमारी यहाँ पर डिटेल है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर, और मैं ये कहूँगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए, और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ आएँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है, लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम के लिए, तो आप लोगों के कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैम ये जो लोगों से मिलने का जो कैरेक्टर है, आपने ऑफिस यहाँ भी बोला है और मनाली में, इन योर ऑप्शंस ये रेगुलर ओपन रहेगा हाँ। क्या सिस्टम रहेगा? हाँ, मेरा ऑफिस ओपन है। हमारे यहाँ पे जो है जैसा आपको पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको पार्लियामेंट में बहुत काम होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही असेंशियली होते हैं। तो हमारा तो दिल्ली में हमारा निवास होता है। अभी हमारा फिर से एक सेशन ख़त्म हुआ है पार्लियामेंट का, और एक फिर से शुरू हो रहा है 22 तारीख से इसी महीने की, जो कि लगभग एक महीने चलेगा। फिर हमारा विंटर सेशन शुरू हो जाएगा, फिर फेब मार्च में अगला बजट शुरू हो जाएगा, बजट का सेशन शुरू हो जाएगा, वो भी लगभग एक माह का होगा। अभी जो बजट का सेशन आ रहा है वो भी लगभग एक माह का है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खैर उनका काम विधायक के जैसा नहीं होता है और ना ही पंचायत के जैसा होता है। अक्सर लोग मिलने आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये पंचायत का काम है, ये विधायक का काम है। मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, काम आप कोई भी लेके आइए यहाँ पर, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे।
लेकिन अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको सेंटर से रिलेटेड है, हमारी जितनी भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो, या जो जल योजना है, या आयुष्मान योजना है, या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो, या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्र स्तर का विषय है, इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज़ हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे माला हुए भैया जी, हरी नारी कुल टूटे, जितना हो सकता है वो तत्पर रहूँगी। ये एरिया भी बहुत बड़ा है, सरका घाट में भी रहना पड़ता है, अपर हिमाचल में भी रहना पड़ता है, इसमें भी रहना पड़ता है, और ये समझ के नहीं, आप खुद जुड़िए, यहाँ पर आप आइए, आप यहाँ बैठिए, जो आपके दोस्त हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही है, आपके रिश्तेदार हैं जिनको लगता है आपको कि जिनके, उनको लाइए आप यहाँ पे, आप इसे अपना दफ्तर समझ, आप मेरे साथ काम कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, हम सब जन सेवा का काम करें, आप मेरे साथ आके जुड़िए। मैम, तीन विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव हुआ है, लेकिन कन्वेंसिंग में कहीं आप नजर नहीं आई, आपको डायरेक्शन केंद्र से थी कन्वेंसिंग नहीं करने की, कि आप खुद नहीं आई, कि क्या कारण रहे, आप तो नजर नहीं आई? हाँ जी, देखिए, हमें जिस तरह का जो है वो फीडबैक मिलता है, हम उसी पे ही चलते हैं। हमारा जो है वो सबसे पहले तो ओथ लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप एक पूरी पूर्ण रूप से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। तो हमने जो है वो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी की भी ओथ अटेंड की, फिर उसके बाद हमारे ओथ हुई, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने उस पर, पूरी पार्लियामेंट ने जो है रिएक्ट किया। तो हम दिल्ली में ही थे, हमें अपना काम था, तो अपने काम के चलते यहाँ पर जो है किसी तरीके से प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाए, वही कारण शायद होगा कि हमें कहा कि आप अपना काम कीजिए। चुनावों के दौरान आपने बहुत सी प्राथमिकताएं बताई थी, तो अब सांसद बनने के बाद क्या आपका पहला प्रोजेक्ट या काम रहेगा जो आप शुरू करने वाले हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जो हमारे काम हैं वो पार्लियामेंट्री तरीके से जो है वो हम पार्लियामेंट में ही उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। मीडिया के सामने या मीडिया को बताने का हमेशा विपक्ष का काम रहता है, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हम जो हैं पार्लियामेंट में क्वेश्चंस डालते हैं, मैं रेगुलरली क्वेश्चन डाल रही हूँ। अब क्वेश्चन डालने का जो है वो टाइम शुरू हो गया है, पिछले एक हफ्ते से क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो रोज़ सुबह हम क्वेश्चन डालते हैं। मैं हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन मंत्रालयों के लिए डाल रही हूँ, तो जिनमें से उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन पिक होंगे, और आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या विषयों पर जो है वो क्वेश्चन डाले हैं। चूँकि सरकार हमारी ही है, तो हमारा कोई बनता नहीं है मीडिया में उस चीज़ को लेकर जो है बयानबाजी करना। हमें सरकार का संपूर्ण सहयोग है, और पार्लियामेंट में ही हम इन मुद्दों को जो है डिस्कस करेंगे, और अवश्य ही हमें संपूर्ण सहयोग वहाँ से मिलेगा, और नई नई जो है चीज़ें हम यहाँ पर शुरू कर पाएंगे। मंडी में उड़ान योजना चलती थी हवाई जहाज पर्यटकों के लिए, वो इस बार बंद हो गई थी 6 महीने। कुल्लू मंडी दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती थी, तो इसको, इस मामले को क्या उठाएंगे आप? ये राज्य सरकार का मामला है, तो राज्य सरकार, जैसा मैंने कहा कि मेरे भी कुछ गाइडलाइंस हैं, मेरा भी कुछ, जैसे हर एक का, एक सरकारी मुलाजिम होने पर हर एक का अपना अपना काम होता है, तो जो सरकार, राज्य सरकार के काम है, ये जो है वो जयराम जी ने ही ये काम कराया था, जहाँ तक मुझे इस चीज़ की जो संज्ञान है, और सुखू जी ने आते ही ये काम जो है वो इसको ख़त्म किया। तो खैर, अब हमारी सरकार जैसे ही राज्य में आती है तो उनके जो जो काम जो है रुके हुए हैं वो शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो हेलीकॉप्टर योजना थी, जो पटना को लेकर पुरानी योजना, बट एप्लीकेशन तो राज्य करेंगे ना, पर इसको बंद किसने किया है? मंडी के लिए उड़ाने बंद हो गई है, टेंडर खत्म हुआ था कंपनी का, उसके बाद ऐसी सूचना है कि कोई किसी ने भी मंडी के लिए, तो ये बात जो है ये जयराम जी ने बहुत सारे अपने अभिभाषणों में कही हुई है ये बात, और उन्होंने जो है, जहाँ तक मुझे इसका ज्ञान है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये जो कांग्रेस सरकार ने बंद करवाए हैं, ये उनकी जो जैसे ही सरकार आएगी उसको वो शुरू करेंगे। आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में एक बुबू जोग का जो प्रस्ताव है, काफी समय से रहा है, क्या उसको केंद्र सरकार उठाएगी? जी, मैं 17 किलोमीटर की दूरी
कम कर जाएगी, क्या आप उठाएंगे? जैसे मैंने कहा कि हर विधायक के साथ में मैं रोज डिस्कस कर रही हूँ, हर क्षेत्र के मेरे साथ जो है वो 17 विधानसभाएं जो हैं वो जुड़ी हुई, तो उनसे रोज़ चर्चा चल रही है। और ये भी उनमें से एक जो चीज़ है वो उसका मैंने प्रश्न डाला हुआ है, तो अवश्य ही इस पर मुझे जो है वो डिस्कस करने का पार्लियामेंट में। देखिए डेफिनेटली मैं जो है वो इस बात को जो है वो सेंटर तक लेके जाऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टनल्स हैं, ऐसा नहीं है भरमौर में जो चंबा को जोड़ती है अपने जिला से, उसके सिवाय ये बुबू जिसे जिलोरी पास वाला आप बोल रहे हैं ना, अच्छा जिलोरी पास वाला जो उनकी उनकी भी एक जिलोरी पास की भी एक टनल उसी क्षेत्र की है। ये जो है बुबू तो ये आने वाले क्षेत्र की आप बोल रहे हैं ना, अच्छा तो खैर बहुत ज़्यादा टनल्स की जो है रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा ब्रिजेस की जो है रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज़्यादा राजमार्गों की जो है रिक्वेस्ट आई है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सबसे बड़ी डिमांड है लोगों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं उसके करके हमारा प्रशासन काफ़ी व्यस्त था उस चीज़ में, अब सब फ्री हुए हैं। अभी तक जो है विधायकों से मेरी यही थी कि आके मिले मुझे, उससे बात करें डिस्कस करें, पर वो अपने अपने क्षेत्रों में थे नहीं, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अलग अलग जगहों पे थी। और मैंने जो है जितनी डिटेल्स मुझे आई हैं मैंने ली है, लेकिन अब उनसे भी मिलना शुरू होगा क्योंकि अब ये इलेक्शन जो हैं काफ़ी वक्त से उपचुनाव जो चुनाव चल ही रहे हैं हिमाचल में, अब आके जो है वो रुके हैं, तो अब हम मिलेंगे। देखिए बीजेपी जो है मुझे लगता है तीनों की तीनों सीटें जीतनी चाहिए। आपने देखा है कि किस तरह कांग्रेस के प्रशासन ने यहाँ पर जिस तरह से घोटालाबाजी सब शुरू हो रही है, हर जगह जो है वो न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्ट सरकार है, तो सारी की सारी सीटें वैसे तो आइडियली जीतनी चाहिए। पार्लियामेंट का दौरा कब से करेंगे आप? 22 जुलाई से फिर से हमारा सेशन है। खेती घट का चैलेंजर का मामला जो है केंद्र सरकार के पास बैठने वाला, जहां हजारों बीघा भूमि जो है बर्बाद हुई है, तो उस मामले को हम क्या उठाएंगे? मैंने जैसा कहा कि विधायक अब सब फ्री हुए हैं, हम सब जो हैं वो बैठ के मीटिंग करेंगे, और उसमें भी आप से मैं ये एक विनम्र आग्रह चाहूँगी कि क्या होता है कि हर एक क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा ही नहीं जो पूरे विकसित क्षेत्र हैं उनमें भी, अमेरिका ऐसा तो नहीं कि वहाँ काम नहीं होते, वहाँ भी काम होते हैं। हम एक साथ सारे ही काम नहीं, कोई कोई प्रायोरिटी बना के चलेंगे। हमारे पास जो है केंद्रीय विद्यालयों के भी विषय हैं, हमारे चाहे सरका घाट हो गया या जोगिंद्र नगर हो गया या करसोग जैसी जगहों से मुझे आए हैं कि 100 किलोमीटर तक जो है केंद्रीय विद्यालय नहीं है बच्चों के लिए, केंद्रीय विद्यालयों के विषय हैं, टनल्स के विषय हैं, कुछ कुछ जो है ऑल वेदर रोड उनको चाहिए, फिर उसके उपरांत जो है वो गार्बेज के इशू हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर इशूज़ हैं वहाँ पे, साइनाइड बन रहे हैं गार्बेज के, जो नदियों में साइनाइड बह रहा है, जहर बन रहा है, हर तरह का विषय है। एक एक विषय को लेके चलेंगे ताकि जो है उसके पीछे पड़ सकें और उसको करवा सकें, और धीरे धीरे जो है ये सब काम संपन्न होंगे। थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा और प्रायोरिटी बेसिस पे चलना पड़ेगा ताकि हमें वहाँ पे भी सीरियसली लें, कि ये नहीं कि बस जी बोल गए और अपना फिर खो गए, नहीं, उस चीज़ के पीछे पड़ेंगे। कोई भी एक एक विषय को लेकर 6-6 महीनों में उसके पीछे पड़ेंगे पूरी तरह से, और उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक किसी दूसरे विषय के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा ऐसा सा मेरा प्लान है। पर देखिए मैं भी नहीं हूँ, अब धीरे धीरे इस चीज़ में हम जो हैं। मैम आपकी मूवी रिलीज़ हो रही है सितंबर में इमरजेंसी, कुछ उसके बारे में बताएंगे या कहना चाहेंगे? जी इमरजेंसी जो है 6 सितंबर को आ रही है, तो उसको लेकर भी एक मैं कहूँगी कि आप जहाँ जहाँ हिमाचल में थिएटर है, कम जगहों पे हैं पर जहाँ जहाँ है जाके देखें और उस फिल्म का आनंद उठाएँ। आगे भी करती रहेंगी मैम मूवीज? देखूंगी अब जैसे, देखिए वैसे तो मूवी मेरा प्राइमरी काम है, लेकिन जनता की जो सेवा करने का जो मुझे ये दायित्व मिला है, लोगों ने मुझ पे जो विश्वास रखा है और ये जो मुझे काम दिया है उसको भी जो है करने का मेरा मन लगता है इसमें, तो मैं ये भी काम करूंगी, उनको किसी तरह की कोई मुझसे शिकायत नहीं होगी।
कांग्रेस एक राज्य का हमेशा रहता है कि केंद्र से पैकेज मिले, अभी उन्होंने आज तक प्रोजेक्ट नहीं मांगा, तो आप किसको वरीयता देंगे, पैकेज को या प्रोजेक्ट को? देखिए, मैं वैसे राज्य सरकार के उनके अपने तरीके होते हैं, मैं जो मेरा जो रहेगा, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मुझे कोई भी इंडिविजुअल, अभी बहुत सारे मेरे पास आते हैं रिक्वेस्ट, बहुत से ज़्यादा है, सब ट्रांसफर है सब, मैं गई भी मंत्रालयों में, मैंने कई काम करवाए, लेकिन ऐसा लगा कि मेरा सारा काम इंडिविजुअल लोगों के कामों में ही चला गया। ज़रूरी होगा और अवश्य होगा कि कम्युनिटी के लिए काम किए जाएँ, जैसे आप कह रहे प्रोजेक्ट काम, अगर हम एक प्रोजेक्ट करवाते हैं तो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए वो जो काम है, अगर मैं कोई भी मिनिस्ट्री होगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे कोई भी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी मिनिस्ट्री को इंडिविजुअल कामों के लिए ही मिलती रहूँगी, तो हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें जो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हमें वो करवाने चाहिए और करवा के लेने चाहिए, और हमारे हिमाचल में बहुत इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है। मंडी सदर के लिए जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी रुका हुआ है, वो भी कांग्रेस के करके वो रुका हुआ है, नगर निगम का, वो भी मेरा जैसे ही यहाँ पे हमारी सरकार का आएगा तो वो भी हम शुरू कराएंगे। खैर, मंडी सदर तो मेरी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी सदर से मुझे एक भयंकर लीड जो लगी थी, तो एक आपको ज़्यादा दायित्व तो हो जाता है, क्योंकि लोगों की यहाँ मुझसे लेके बहुत अपेक्षाएँ हैं, तो यहाँ पर मैं रहूँगी और हम लोग मिलकर काम करेंगे। आप भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से हम क्या अपने अपने देश प्रदेश के लिए और आगे भविष्य को सोचते हुए ही हम जो हैं वो चीज़ें लेंगे। कंगना, इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, आपने कहा कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है कांग्रेस की वजह से रुका हुआ है, किस तरीके से रुका हुआ है कांग्रेस की वजह से, क्या जानकारी आपके पास, अगर आप थोड़ा सा शेयर करें कहाँ पे कांग्रेस की तरफ से इसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में अड़चन अड़ाई जा रही है? जैसी हमारी सरकार आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जो नगर निगम के सब अंडर आता है पूरा, तो कैसे वो फिर शुरू होता है और फिर से कैसे वो किया जाता है वो भी, और वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हो जाएगा वो भी, अभी नहीं तो जल्दी ही हो जाएगा। तो फिर हम जो जो जहाँ जहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट रुके हैं वो सब हम लोग शुरू कर देंगे, चाहे वो फिर मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे शिवधाम हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, वो हम लोग फिर पूरी तरह से उनको शुरू कर देंगे, पर उसके रहते हुए भी हम और भी जो है मंडी के लिए काम करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कोई मिलना चाह रहे थे ना वो।